दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये थोड़ा एडवांस लेवल की स्टोरी है, क्योंकि कई दिन से इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कोई अच्छे से स्टोरी लाइए जिसमें थोड़े एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग हो। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सिली बार्बर। सिली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मूर्ख। तो क्या मतलब है मूर्ख? नाई। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मीनिंग मिले आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चरण दास वॉज अ वेरी रिच मैन। क्या मतलब हुआ? चरण दास एक बहुत अमीर आदमी था। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव होता है, तो उस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? चरण दास वॉज अ वेरी रिच मैन। चरण दास बहुत अमीर आदमी था। ही वॉज अ मैन ऑफ चैरिटी एंड रिलीजन। क्या मतलब वो? देखिए ऑफ का मतलब होता है का, चैरिटी का मतलब दान होता है जो कि एक नाउन है, और रिलीजन का मतलब होता है धर्म। तो क्या मतलब वो? ही वॉज अ मैन मतलब वो एक आदमी था ऑफ किसका, दान और धर्म का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज ए मैन ऑफ चैरिटी एंड रिलीजन। वो एक धर्म और मतलब वो एक दान और धर्म का आदमी था। Helping others was his nature. Nature का मतलब होता है स्वभाव। क्या मतलब हुआ? Helping others मतलब दूसरों की मदद करना was his nature, वो उसका स्वभाव था। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? Helping others was his nature, दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। But bad luck struck. Struck का मतलब होता है कोई चीज़ होना। एंड ही सफ़र्ड लॉसेस। सफ़र का मतलब होता है कोई चीज़ उठाना, पीड़ा उठाना, दुख दर्द झेलना, उसे सफ़र कहा जाता है। लॉस का मतलब होता है हानि। तो क्या मतलब हुआ? बट बैड लक स्ट्रक मतलब कि बुरा समय आया या दुर्भाग्य आया। एंड ही सफ़र्ड लॉसेस और उसे नुकसान उठाना पड़ा, लॉसेस। आगे देखिए, ही बिकेम अ पुअर मैन। दोस्तों ये जो वर्ड है, ये जो बिकेम है, ये बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, जिसका मतलब होता है होना या बनना, और ये पास्ट इनडेफिनेट का वाक्य है। और दोस्तों जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं ज़्यादातर वो पास्ट इनडेफिनेट में ही बताई जाती हैं, और पास्ट इनडेफिनेट में यदि हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो क्या मतलब हुआ? ही बिकेम वो बन गया अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही बिकेम अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी बन गया। चलिए आगे देखिए, He sold his mansion. Mansion का मतलब होता है हवेली। और दोस्तों ये जो वर्ड है sold, ये सेल की सेकेंड फॉर्म है, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है आप उसे नोट कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है सेल के लिए लोग SALE का वर्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो आपने वर्ड सुना होगा SALE, वो नाउन है लेकिन वो वर्ब नहीं है। यदि आप उसकी वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड है SELL, सेल, और उसी सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, SOLD, जिसका मतलब होता है बेचना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही सोल्ड, उसने बेच दी हिज मैंसन, अपनी हवेली, उसने अपनी हवेली बेच दी। एंड शिफ्टेड, और वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट करने का मतलब होता है स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और वो शिफ्ट हो गया। टू अ स्मॉल रेंटेड रूम, रेंटेड का मतलब था किराए का, मतलब एक छोटे किराए के कमरे में वो शिफ्ट हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने अपनी हवेली बेच दी और एक छोटे किराए के कमरे में वो शिफ्ट हो गया, चला गया। चलिए आगे देखिए, वन नाइट, एक रात, ही नल्ड ओवर द स्टेट ऑफ हिज अफेयर। नल का मतलब होता है खारिज कर देना। क्या मतलब हुआ? और ये सेकेंड फॉर्म है। ही नल्ड ओवर द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स मतलब जो उसके जो स्थिति थी उसके मामलों की, उसको उसने खारिज कर दिया। एंड डिसाइडेड, और उसने तय किया, टू गो जाने का, उसने जाने का तय किया मतलब जाने का फैसला किया। टू अदर टाउन, दूसरे शहर जाने का फैसला किया। टू स्टार्ट अफ्रेश, अफ्रेश का मतलब होता है नए सिरे से, एडजेक्टिव है, मतलब एक नए सिरे से शुरू करने का उसने फैसला किया। एट नाइट मतलब रात में,
ही सॉ। दोस्तों जो वर्ड है एस ए डब्ल्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सॉ और ये सी की सेकेंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? एट नाइट, रात में, ही सॉ अ ड्रीम, उसने एक सपना देखा। इन विच, जिसमें, ए मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है साधु। अ मॉन्क वॉज सेइंग, एक साधु कह रहा था, चरणदास यू नीड नॉट लीव, चरणदास तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। लीव का मतलब होता है किसी जगह से छोड़, चीज जगह का छोड़ना, रवाना होना, और नीड मतलब ज़रूरत। तो क्या मतलब हुआ? यू नीड नॉट लीव, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आई एम योर फॉर्च्यून, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। टुमोरो आई विल विजिट योर रूम, विजिट का मतलब होता है दौरा करना, आना, मतलब आई विल विजिट योर रूम, मैं तुम्हारे कमरे पर आऊँगा। वेट विद अ स्टिक, स्टिक का मतलब होता है लाठी। वेट मतलब कि इंतज़ार करना, विद स्टिक एक लाठी के मतलब एक लाठी लेकर इंतज़ार करना। एज आई एंटर योर रूम, जैसे मैं तुम्हारे कमरे में प्रवेश करूँ, हिट मी, मुझे हिट करना, हिट करने का मतलब होता है मारना। ऑन द हेड मतलब मुझे सर पर मारना। योर लक विल चेंज, जो तुम्हारा भाग्य है वो बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, चरणदास वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य से कोई चीज़ का उत्सुक होना, किसी चीज़ को जानने के लिए। मतलब चरणदास जो था वो उत्सुक था एट द मीनिंग, अर्थ पर, ऑफ द ड्रीम, सपने के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, चरणदास वंडर्ड एट द मीनिंग ऑफ द ड्रीम, मतलब जो चरणदास था उसको बहुत आश्चर्य से मतलब कर रहा था, उत्सुक था जानने के लिए द मीनिंग ऑफ द ड्रीम, मतलब उस सपने के अर्थ को जानने के लिए। आगे देखिए। देन फिर बार्बर अराइव्ड फॉर हिज डेली शेव, जो बार्बर था मतलब नाई था, वो आया। अराइव्ड, ये दोस्तों आने को अराइव कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म में अराइव्ड मतलब कि बार बार आया, नाई आया। फॉर हिज डेली शेव, उसकी जो रोज की जो शेव होती थी उसके लिए वो आया। एज चरणदास सेट डाउन, ये सिट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है बैठना, जैसे सेट मतलब बैठा। एज जैसे एज चरणदास सेट डाउन, जैसे चरणदास नीचे बैठा। फॉर द रिचुअल मतलब इस काम के लिए, इस अनुष्ठान के लिए। सम वन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। सम वन नॉक्ड एट द डोर मतलब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, या मतलब कह सकते हैं दरवाजा खटखटाया। ही वेंट, ये सेकेंड फॉर्म है गो की, सेकेंड फॉर्म है वेंट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही वेंट टू ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलने गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो और ओपन का मतलब होता है खोलना, ये भी एक वर्ब है। तो यदि आप कभी भी कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहली वर्ब है उसके बाद जब भी आप कोई दूसरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको टू लगाना होगा, और टू के बाद आपको याद रखना है कि हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये दूसरी वर्ब है ओपन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू ओपन द डोर, वह दरवाज़ा खोलने गया। ही ओपनड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, टू फाइंड मतलब पाने के लिए द मॉन्क, साधु को। ही ओपन द डोर टू फाइंड द मॉन्क, उसने साधु को पाने के लिए दरवाज़ा खोला। ऑफ़ द ड्रीम्स, सपने के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ओपन द डोर टू फाइंड द मॉन्क ऑफ द ड्रीम, मतलब उसने साधु, उसने जो उसके सपने वाले जो साधु थे उनको पाने के लिए दरवाज़ा खोला। एज जैसे कि द मॉन्क ट्राइड टू एंटर, ये ट्राई की सेकेंड फॉर्म है, ट्राइड कोशिश करना। एज जैसे कि द मॉन्क ट्राइड टू एंटर मतलब कि साधु ने प्रवेश करने की कोशिश की। चरणदास पिक्ड अप द स्टिक, चरणदास ने एक डंडा उठाया, या कह सकते लाठी उठाई। ही हैड कैप्ड, जो उसने रखी हुई थी। दोस्तों ये हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड कैप्ड, उसने रखी हुई थी। बिहाइंड हिज डोर, अपने दरवाजे के पीछे। एंड हिट द मॉन्क, और उसने मॉन्क को हिट किया मतलब उस साधु को मारा। ऑन द हेड, सर पर। तो क्या मतलब हुआ कि जो उसने लाठी रखी हुई थी उसके दरवाजे के पीछे, उससे उसने क्या किया, उसने हिट द मॉन्क ऑन द हेड मतलब साधु के सर पर मारा। द मॉन्क कोलाप्स्ड डाउन इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्या मतलब हुआ? दोस्तों कोलाप्स का मतलब होता है अचानक एकाएक ढह जाना, गिर जाना, उसे कोलाप्स कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है कोलाप्स्ड। कोलाप्स डाउन मतलब नीचे गिर गया, और दोस्तों ये जो वर्ड है हीप, इसका मतलब होता है ढेर। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको स्टोरी सही से समझ में आए।
द मोंग कोलाप्स डाउन, मतलब कि जो मोंग था साधु था कोलाप्स डाउन हो गया, मतलब कि ढहकर नीचे गिर गया। इन टू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इन टू मतलब मैं किस में, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों के ढेर में। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो गिरा तो वो सोने के मतलब कि सिक्कों के सिक्कों में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। तो इस लाइन द मोंग कोलाप्स डाउन, जब वो गिरा मतलब कि ढहया तो इनटू वो क्या हो गया, इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब वो सोने के सिक्कों में गिरा, मतलब कि वो सोने का सिक्कों के रूप में बदल गया। चलिए आगे देखिए, चरणदास कलेक्टेड द गोल्ड कॉइन्स, चरणदास ने जो गोल्ड सोने के सिक्के थे उनको इकट्ठा किया, इन अ बैग, एक बैग में, एंड पुट इट, और उन्हें रख दिया, इन अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर, इन द इनर रूम, अंदर के कमरे में। देन ही केम बैक, ये दोस्तों कम बैक की सेकेंड फॉर्म है, केम बैक क्या मतलब हुआ, देन फिर ही केम बैक, वो वापस आया टू गेट शेव्ड, मतलब कि शेव करवाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर गेट के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये इस तरह के जब भी हम कोई ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम कोई भी काम खुद नहीं करते किसी और व्यक्ति से करवाते हैं, तो वहाँ पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं, देन फिर ही केम बैक, वो वापस आया टू गेट शेव्ड, मतलब शेव करवाने के लिए। द बारबर सॉ, ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सो द बारबर सॉ, मतलब नाई ने देखा ऑल दैट, मतलब ये सब देखा, विद ओपन माउथ, मतलब खुले मुंह से, वेरी पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अचंभित होकर उसने ये सब देखा। चलिए आगे देखिए, चरणदास रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, चरणदास ने अपने व्यापार को दोबारा शुरू किया, ये रीस्टार्ट की सेकंड फॉर्म, रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, दोबारा शुरू किया, विद दैट कैपिटल, मतलब उस पूंजी से, कैपिटल मतलब पूंजी, उस पूंजी से दोबारा शुरू किया, एंड बिकेम प्रोस्पेरस अगेन, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, और वो बिकेम मतलब हो गया, क्या हो गया, समृद्ध, समृद्ध हो गया दोबारा से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, चरणदास रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, बिजनेस विद द कैपिटल, मतलब चरणदास ने उस पूंजी से दोबारा बिजनेस को शुरू किया, व्यापार को, एंड बिकेम प्रोस्पेरस अगेन, वो दोबारा से समृद्ध हो गया। चलिए आगे देखिए, मीनवाइल मतलब इस दौरान, द बारबर वॉज गोइंग मैड थिंकिंग ओवर वॉट ही हैड सीन, क्या मतलब हुआ कि मीनवाइल इस दौरान द बारबर वॉज गोइंग मैड, मतलब जो बारबर था, नाई था, वो पागल हो रहा था, थिंकिंग ये सोचकर, ओवर वॉट ही हैड सीन, जो उसने देखा था। दोस्तों यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये सी की थर्ड फॉर्म है सीन, और हैड के बाद जब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास परफेक्ट का वाक्य होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस दौरान जो बारबर था वो ये सोचकर पागल हो रहा था जो उसने देखा था। और जैसा आपने स्टोरी में देखा ये कि जब वो चरणदास की के घर गया था तो उसने क्या देखा कि चरणदास ने डंडे से एक साधु को मारा जो कि सोने के सिक्कों में बदल गया, तो उस सीन को वो ध्यान कर करके सोच सोच करके पागल हो रहा था। चलिए आगे देखिए, चरणदासेस रीगेंड प्रोस्पेरिटी, अब देखिए यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, शायद एस मिसिंग है लेकिन आप उसे एस मानिए। तो जब भी हम किसी वाक्य में किसी के व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, चरणदासेस रीगेंड प्रोस्पेरिटी, मतलब जो चरणदास की दोबारा हासिल की हुई जो समृद्धता थी, वॉज फ्यूलिंग, फ्यूल का मतलब होता है किसी चीज़ में ईंधन देना, हवा देना, वो क्या है, ईंधन दे रही थी हिज इमेजिनेशन, उसकी कल्पना को। ही कंक्लूडेड, कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेना, किसी चीज़ का को सच मान लेना। ही कंक्लूडेड, उसने निष्कर्ष निकाल लिया दैट कि इफ़ यू हिट मॉन्क्स, कि यदि आप साधुओं को हिट करते हो, मारते हो ऑन हेड, सर पर, विद अ स्टिक, किसी डंडे से, दे टर्न इनटू गोल्ड हीप्स, वो सोने के ढेर में तब्दील हो जाते हैं, सोने के ढेर में बदल जाते हैं। तो ऐसा उसने निष्कर्ष निकाल लिया। चलिए आगे देखिए, द बारबर वेंट टू अ मोनेस्ट्री टू इन्वाइट फ्यू मॉन्क्स, क्या मतलब हुआ, जो ये वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, और दोस्तों मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, जहाँ पर साधु वगैरह रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द बारबर वेंट टू अ मोनेस्ट्री, मतलब बारबर जो था वो एक मठ गया टू इन्वाइट, बुलाने के लिए फ्यू मॉन्क्स, कुछ साधुओं को। द इनमेट्स, इनमेट्स का मतलब होता है वहाँ के रहवासी, रहने वाले, जो वहाँ के इनमेट्स से जो रहने वाले थे ऑफ द मोनेस्ट्री, मतलब उस मोनेस्ट्री के मठ के, वर अमेज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा अमेज थे, अचंभित थे, टू फाइंड, ये जानकर, अ बारबर अराइव, कि कोई बारबर जो है, नाई है, वो आया है। द मॉन्क्स शेव वन अनादर्स हेड, जो मॉन्क्स हैं, जो साधु हैं, वो एक दूसरे के जो हेड हैं, सर हैं, वो शेव करते हैं, मतलब एक दूसरे के सर को छीलते हैं। सो इसलिए दे हैड नो यूज़ फॉर अ बारबर, मतलब उनके पास कोई भी इस्तेमाल नहीं था एक किसी नाई का। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए दे हैड नो यूज़ फॉर ए बारबर, मतलब उनके पास
बार्बर का कोई काम नहीं था, कोई इस्तेमाल नहीं था किसी भी नाई का। चलिए आगे देखिए, द बार्बर सेड टू द हेड मॉन्क, तो जो बार्बर था, नाई था, उसने कहा, किससे कहा, टू द हेड मॉन्क, मतलब जो उन साधुओं के जो हेड थे, उनसे कहा, योर होलीनेस आई वॉन्ट टू सर्व द मॉन्क्स। तो उसने क्या कहा, तो इसको अच्छे समझते हैं, द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा टू द हेड मॉन्क, मतलब जो हेड मॉन्क थे, मतलब जो मुखिया भिक्षु थे, जो साधु, उनसे कहा, योर होलीनेस, होलीनेस का यूज़ किया जाता है पवित्र लोगों के लिए, तो क्या मतलब है योर होलीनेस, मतलब कि संत या कह सकते हैं पोप, आई वॉन्ट टू सर्व द मॉन्क्स, मतलब कि मैं साधुओं की सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज़ कम टू माई हम्बल अबोर्ड, प्लीज़ कम टू माई हम्बल अबोर्ड, मतलब कि कृपया मेरे गरीब खाने पर आएँ, विद योर डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ, एंड लेट मी ट्रीट यू टू डेलिकेसीज, और मतलब मुझे अलाउ करें या मुझे मौका दें आपको ट्रीट करने का, टू डेलिकेसीज, व्यंजनों का। आगे देखिए, द हेड मॉन्क लेटर सेड, जो हेड मॉन्क थे, मतलब जो मुख्य जो साधु थे, लेटर सेड, उन्होंने बाद में कहा, That barber never offered even water to anyone without any selfish purpose. क्या मतलब हुआ कि जो barbers हैं, नाई हैं, वो किसी को भी कुछ offer नहीं करते, नहीं देते हैं, पानी भी नहीं देते हैं किसी को भी, without any selfish purpose, बिना किसी selfish purpose के, मतलब बिना किसी कोई भी, बिना किसी स्वार्थ के। Why should he फीड अस, मतलब कि वाई शुड ही फीड अस, उसे हमें खाना क्यों खिलाना चाहिए, फीड का मतलब था खिलाना। वाई सडन जेनरोसिटी, मतलब इतनी जो दया है वो क्यों, सडन जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब होता है दया। वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, बट नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, फाइव मॉन्क्स आउट ऑफ ग्रीड, मतलब जो पांच साधु थे आउट ऑफ ग्रीड, मतलब लालच में आकर, फॉर रिच फूड, अच्छे खाने के लिए, फूड, डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू गो टू द बार्बर्स, मतलब कि बार्बर के यहाँ जाने का तय किया, मे बी शायद, द बार्बर इज अ रिफॉर्म्ड सोल, मतलब कि क्या सोचा उन्होंने, मे बी शायद, द बार्बर, जो बार्बर है ना, ये इज अ रिफॉर्म्ड सोल, वो एक सुधरी हुई आत्मा है, रिफॉर्म मतलब सुधरी हुई आत्मा है। दे रीजन, उन्होंने इस चीज़ का रीजन, मतलब उन्होंने इस चीज़ का खुद ही जवाब दिया, रीजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जवाब देना। द मॉन्क्स नॉक्ड एट द बार्बर्स डोर, जो मॉन्क्स थे, साधु थे, उन्होंने दस्तक दी, कहाँ पर, एट द बार्बर्स डोर, बार्बर के दरवाजे पर खटखटाया, मतलब द डोर वॉज ओपन, जो दरवाजे को खोला गया। दोस्तों यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो क्या मतलब हुआ, द डोर वॉज ओपन, दरवाजे को खोला गया, एंड स्टिक ब्लोज रेंड, और जो लाठियों के जो ब्लोज थे, हमले थे, मतलब वो बरसने लगी, ऑन द शेवन हेड्स, मतलब उन छिले हुए सरों पर, ऑफ द मॉन्क्स, साधुओं के, ऑल द फाइव मॉन्क्स फेल डाउन ब्लडेड, मतलब जो पांचों जो साधु थे वो नीचे गिर गए, ब्लडेड मतलब खून बहते हुए। द सोल्जर्स लर्न्ड, जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्हें पता चला अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में, एंड द बार्बर वॉज अरेस्टेड, और जो बार्बर था, नाई था, उसे गिरफ्तार किया गया, एंड हैंग्ड, और उसे फांसी दी गई, टांग दिया गया, फॉर द मर्डर्स, उन हत्याओं के लिए। चले दोस्तों, अब ये जो कहानी का जो मॉरल है उसे भी हम देख लेते हैं। एक्टिंग फुलिशली विदाउट रीचिंग एट द बॉटम ऑफ अ मैटर स्पेल्स डिजास्टर, क्या मतलब हुआ, एक्टिंग फुलिशली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, रीच का मतलब होता है पहुँचना, और बॉटम का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तह तक जाना, बॉटम मतलब किसी भी चीज़ का नीचे का हिस्सा। स्पेल्स डिज़ास्टर का मतलब होता है किसी भी तरह का विनाश करना, विनाश का कारण बनना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एक्टिंग फुलिशली विदाउट रीचिंग एट द बॉटम ऑफ ए मैटर स्पेल्स डिज़ास्टर, मतलब कि किसी भी मामले के तह तक जाए बिना कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य करना जो होता है वो क्या है, विनाश का कारण बनता है। तो दोस्तों ये इसका मॉरल था, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।